你的那个别的杯。मुझे सोना है। बेटा घर जाकर सो जाना। चलो अब बेड से उतरो। मुझे सोने के लिए ये बेड चाहिए। नहीं ऐसा मत कहो, हम यहाँ पर बेड खरीदने के लिए नहीं आए शिनचैन। चलो अब चलते हैं। आपको ये कैसा लगा? मैं आपको बता दूं कि ये बेड बहुत ही स्पेशल है, इसमें बच्चों को बहुत ही अच्छी नींद आती है और आज हम इस पर 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वेल डिस्काउंट? दरअसल आज हम आपको कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन हमारे घर में एक और बेड के लिए जगह नहीं है। इस बेड के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और अगर आपका बच्चा रात को आराम से सोएगा तो वो सुबह टाइम से स्कूल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग इस बारे में। अरे दीदी नेकी और पूछ पूछ। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बेड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी 20% डिस्काउंट पर। वैसे आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम नहीं जाने देंगे। अरे अब ये कहाँ लगेगा? डैड नहीं हुआ क्या? बेटा थोड़ा चुप रहो, मुश्किल काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अरे आपने अभी तक बेड तैयार नहीं किया, ये देखिए मैं तो गद्दे लेकर भी आ गई। जरा जल्दी कीजिए, गद्दे को जरा आराम से रखिए। शिनचैन तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। गद्दे लाने के लिए शुक्रिया। ये बेड हम तुम्हारे लिए लाए हैं, अब तुम्हें अकेले ही सोना होगा। नई गद्दे पे बहुत ही आराम की नींद आएगी, है ना? बड़ा मुश्किल काम था ये तो। हाँ लेकिन इस काम में काफी वक्त लग गया। अरे तो क्या हो गया? आपने बेड तैयार तो कर लिया पर पता नहीं शिनचैन अकेला सो भी पाएगा या नहीं। मित्सी कभी ना कभी तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा, अगर अभी से शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैरी। मेरा नया बेड। ये तो बढ़िया है, मुझे मीठे मीठे सपने आएंगे। अरे हाँ क्या हुआ? चोको चिप्स कहाँ पर है? चोको चिप्स खत्म हो गए थे इसीलिए मैं बाजार से लेकर आई हूँ। ये लो, बस थोड़े से ही लेना, तुम्हें डिनर भी करना है अभी, समझे? ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या, बेड पर मीठा नहीं खाना चाहिए। चोको चिप्स मिठाई नहीं स्नैक्स है मैम। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ शिनचैन, पर तुम इसे बेड पर नहीं खा सकते। मैम वापस दीजिए। चोको चिप्स खाने के लिए तुम्हें बेड से उतरना पड़ेगा। चोको चिप्स के बिना मुझे अच्छे सपने नहीं आएंगे, प्लीज वापस दे दीजिए ना, प्लीज मैम। सुनिए मैम रात कब होगी? तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अभी तो तुम्हें डिनर भी करना है शिनचैन। चलो फिर मैं अभी डिनर खा लेता हूँ। डिनर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये बताइए अच्छा है क्या कैसे बनाई जाए, क्या उसे उबाल कर? काश आज रात जल्दी हो जाए। रात तो रात को ही होगी ना बेटा। डैड रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी, इंतजार करो। कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब सबको बहुत गुड नाइट। शिनचैन को अपने बेड पर सोने की कितनी जल्दी है, इसे तो अकेले सोने में कोई परेशानी नहीं लग रही। इसे तो परेशानी नहीं लग रही पर लगता तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हैरी। देखो तुमने शिनचैन का बिस्तर भी लगा दिया है। वो मेरी आदत है ना इसीलिए। देखो मिस्सी अब शिनचैन बड़ा हो रहा है, अब अगर वो रोते हुए भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए और उसे वापस भेज देना चाहिए। मैं समझ गई। मेरा प्यारा नया बेड, अब मैं सोते सोते यहाँ भी जा सकता हूँ और साथ ही गोल गोल उधर भी जा सकता हूँ। गल 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 वो सो गया होगा क्या? पता नहीं तुम सो जाओ। मामा डैड सो गए होंगे क्या? सो जाता हूँ।
शायद सब सो गई हैं। मिट्सी सो जाओ। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, नींद नहीं आ रही है। याद आया, अगर नींद ना आए तो हमें काउंटिंग करनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग एक। मिस्टर शिनचैन है आपकी गुड़िया। काउंटिंग दो। मिस्टर शिनचैन है बुद्धू गुड़िया। काउंटिंग तीन। काउंटिंग चार। पता नहीं उसे नींद आ भी रही होगी या नहीं, वो पहली बार अकेला सो रहा है। उसे बेड पर सोने की आदत नहीं है, शायद उसे नींद ही नहीं आए। हाँ, अगर वो सोते हुए बेड से नीचे गिर गया तो? अरे हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। काउंटिंग 19 के बाद। अरे नहीं, हिमा बारी मेरे बिना सो नहीं पा रही है। हिमा बारी ठीक तो है ना? अरे शिनचैन, तुम इतनी जल्दी उठ गए। पहले तो तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती थी, आज क्या हुआ? हिमा बारी मुझे याद कर रही थी। अरे ऐसा नहीं है शिनचैन, इसको तो भूख लगी थी, दूध पीकर सो जाएगी। तुम हिमा बारी की बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। गुड नाइट। मिट्सी कहाँ गई? अच्छा यहाँ है। वाह क्या बात है। मैं भी थोड़ी देर यहीं सो जाता हूँ इनके साथ। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।